हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज अनिल और रिएक्ट नेटिव की इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास कंपोनेंट के बारे में। सबसे पहले थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे, बाद में इसको कहाँ यूज़ करना चाहिए वो भी देख लेंगे और एट द लास्ट एक एग्जांपल बनाएंगे अच्छा सा। उसके अंदर आपको मैं कुछ इवेंट्स भी, जैसे कि ऑन प्रेस इवेंट है वो कैसे कॉल कर सकते हैं, क्योंकि क्लास कंपोनेंट और फंक्शनल कंपोनेंट में जो हम इवेंट्स बनाते हैं ना उनको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, तो पहले थ्योरेटिकल क्वेश्चन में क्लास कंपोनेंट होते क्या हैं। जब हम रिएक्ट नेटिव में कंपोनेंट्स बनाते हैं, रिएक्ट नेटिव में रिएक्ट दोनों में कंपोनेंट बनाते हैं और वो कंपोनेंट क्लास टाइप का होता है तो उसको हम क्लास कंपोनेंट कहते हैं, और वो रिएक्ट की जो कंपोनेंट क्लास होते हैं ना उसको एक्सटेंड भी करता है। इसके अंदर हम स्टेट वगैरह यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर हम लाइफ साइकिल मैथड्स यूज़ कर सकते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर इनको यूज़ करने के लिए हमें एक्चुअली हुक्स की जरूरत पड़ती है, बट क्लास कंपोनेंट में इनकी जरूरत पड़ती नहीं है हुक्स वगैरह की। ठीक है, सो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं एज़ कम्पेयर टू फंक्शनल कंपोनेंट। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब हम इसको यूज़ कहाँ कर सकते हैं, जब हमें बहुत ही कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करनी हो, या फिर फॉर एग्जांपल कि हमारे पास एक फॉर्म है उसकी बहुत सारी फील्ड हमको हैंडल करनी है तो हमें स्टेट की ज़रूरत पड़ेगी वैलिडेशन वगैरह हैंडल करने के लिए, उसकी वैल्यू गेट करने के लिए। उस टाइम में जब हम कंपोनेंट बनाते हैं तो हम वो क्लास टाइप का बनाते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर हमारे पास कैलकुलेशन छोटी है तो हम फंक्शनल कंपोनेंट भी बना सकते हैं। बाय डिफॉल्ट जो जो कंपोनेंट होता है रिएक्ट नेटिव में वो एक्चुअली फंक्शनल कंपोनेंट होता है। देखो ये फंक्शनल कंपोनेंट बना हुआ है। ठीक है, अब इसको हम क्लास कंपोनेंट में कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ये वाला पार्ट है ना इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, और जैसे मैं इसको सेव करूँगा तो आपको यहाँ पे ऐड भी एक्चुअली दिखी जाएगी। ठीक है, कि इसको ऐप नहीं मिला है। सो लेट्स सी, बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसके अंदर एक क्लास कीवर्ड लेता हूँ और उसके सामने मेरी क्लास का नाम ऐप नाम से ही बनाऊंगा क्योंकि ऐप ही फाइल का नाम है। ये एक्सटेंड करेगी रिएक्ट डॉट कंपोनेंट को। ठीक है, हम इस तरीके से भी कॉल कर सकते हैं और चाहो तो आप डायरेक्ट कंपोनेंट कॉल करो और इसमें से कंपोनेंट इस तरीके से निकाल सकते हो आप, आपके ऊपर है टोटली। ठीक है, और इसको हम बंद कर देते हैं, और जैसे इसको बंद करते हैं इसके अंदर कम से कम एक रेंडर मेथड होना जरूरी होता है। रेंडर मेथड लेंगे और ये एटलीस्ट रिटर्न करेगा ही करेगा एक एक एलिमेंट। ठीक है, सो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ अभी के लिए एक व्यू ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आपको व्यू वगैरह के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कि ये कैसे हैं, व्यू क्या होता है, टेक्स्ट क्या होता है, मैं अगले वाली वीडियो में बनाऊंगा, अभी के लिए डोंट वेरी। व्यू काइंड ऑफ डिफ आप अभी के लिए आप ये समझ सकते हो। ठीक है, सो मैंने एक टेक्स्ट और लिया इसके अंदर और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्लास कॉम्पोनेंट और इसको मैं सेव करता हूँ। तो देखिए हमारे पास क्लास कंपोनेंट बन गया। थोड़ा इसका फॉन्ट छोटा है तो फॉन्ट बढ़ाने के लिए मैं एक स्टाइल छोटी सी प्रॉपर्टी लगा देता हूँ। स्टाइल के ऊपर वीडियो हम फुल वीडियो हम बाद में बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ फॉन्ट साइज और फॉन्ट साइज हमारा लेट से है 60। ठीक है, सो ये अभी आपको और क्लियर दिख रहा है। अब बात आती है कि हम इसके अंदर कुछ अगर हमें लेट से बटन के ऊपर बटन वगैरह लेना है और उसके ऊपर ऑन प्रेस इवेंट कॉल कराना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर रिएक्ट नेटिव से बटन निकालता हूँ और जैसे ही मैं ये बटन निकालूंगा इस बटन को सिंपली यूज़ करूंगा। इसको हमें डबल टैग बनाने की जरूरत है, डायरेक्ट इसी के अंदर बंद कर सकते हैं क्योंकि जिसमें टेक्स्ट आने वाला है वो टाइटल से उठ के आता है। टाइटल के अंदर मैं ले सकता हूँ लेट से प्रेस मी। ठीक है, ऑन टैब भी कह सकते हो, प्रेस भी कह सकते हो। ठीक है, सो इसके अंदर अभी के लिए लेट मी चेक कुछ इशू है। यस, इशू ये है कि जो हमें सब कुछ लेना होता है वो हमें एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर लेना होता है, यानी कि जो भी कुछ लेंगे हम व्यू के अंदर ही लेंगे। ठीक है, सो अभी आपको ऑन प्रेस भी दिख रहा है बट इसके ऊपर कुछ अभी ऑपरेशन नहीं है। तो लेट से आपको इस पर कुछ अलर्ट दिखाना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो बहुत सिंपल है। इसके ऊपर ऑन क्लिक कॉल करो, ऑन क्लिक नहीं होता सॉरी ऑन प्रेस होता है, और ऑन प्रेस के ऊपर आप एक एरो फंक्शन बनाओ और उस एरो फंक्शन से आप अलर्ट मेथड सिंपली कॉल कर सकते हो। ठीक है, सो मैं यहाँ पे एक अलर्ट बना देता हूँ और अलर्ट के अंदर लिख देता हूँ हेलो क्लास सी एम पी। ठीक है, तो जैसे मैं इसको सेव करूंगा अभी के लिए और बाद में यहाँ पे मैं ऑन प्रेस पे क्लिक करने की कोशिश करूँगा तो इसने मुझे यहाँ पे मैसेज दे दिया। सो ये था बेसिक क्लास कंपोनेंट का कि हम कैसे कॉल कर सकते हैं, कब हमें एक्चुअली ज़रूरत होती है और ऑन प्रेस वगैरह इवेंट्स वगैरह कैसे कॉल कर सकते हैं। तो ये इसका तरीका है। कुछ कन्फ्यूज़न है, कुछ कोई आपका ओपिनियन है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।